आधार कार्ड हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। आधार कार्ड में जब हम करेक्शन या न्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें ये पता नहीं चल पाता है कि हमारा आधार कार्ड बना या नहीं बना। इसको हम कैसे अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं, चलिए। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रौशन अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रौशन नॉलेज। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो अब फाइनली हम आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और हमें मोबाइल स्क्रीन पर मोबाइल में अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ गूगल, और इसमें हमको टाइप करना है UIDAI। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह आपका मोबाइल का स्क्रीन का इंटरफेस खुलेगा। हमको सिंपल सा क्लिक कर देना है, जो ये सेकेंड वाला ऑप्शन दिख रहा है गेट, ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन दिख रहा है गेट आधार पे, इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमको सिंपल सा इसमें दिख रहा है माई आधार का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, हमको इस पर क्लिक करना है। माई आधार का भी क्लिक करते हैं, कुछ हमारा इंटरफेस इस तरह दिखेगा और फोर्थ नंबर पे हमारा ऑप्शन है चेक आधार स्टेटस। तो हमको सिंपल सा क्लिक कर देना है इस पे चेक आधार स्टेटस पे। तो चलिए करते हैं क्लिक। करने के बाद ओपन होने के बाद कुछ हमारा इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, और जो आप आधार में करेक्शन या अपडेट या न्यू के लिए अप्लाई किए होंगे तो उसमें आपको लेफ्ट ऊपर के साइड में लेफ्ट बगल लिखा होगा अपडेट रिक्वेस्ट नंबर, यानी हिंदी में अपडेट अनुरोध संख्या, इसको हमें टाइप कर देना है। चलिए टाइप करते हैं, फिल कर दिए, और हमको स्लिप और क्या करना है कैप्चा को फिल करना है 3-4 कैपिटल एफ, करने के बाद हमको क्लिक कर देना है इस वाले ऑप्शन पे। चलिए करते हैं क्लिक। तो देखिए हमारा इंटरफेस आ गया और यहाँ पे लिख रहा है कंस्टेलेशन योर आधार इज जनरेटेड, यानी इसका मतलब हुआ कि आपका आधार बन चुका है और आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपका नहीं बना होगा तो इसमें लिखा होगा प्रोसेसिंग में लिखेगा, अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहीं पे नीचे ऑप्शन आपको आ रहा है डाउनलोड आधार पे, इस पर क्लिक करके।